फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच के लिए गठित निरीक्षण समिति ने दिल्ली को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक इस रिपोर्ट में समिति किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है, लेकिन इस रिपोर्ट को लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान फिलहाल नहीं आया है। लेकिन WFI के अध्यक्ष के खिलाफ शुक्रवार को जो दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की, उसके मुताबिक WFI प्रमुख ने न केवल देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के दौरान भी उनका उत्पीड़न किया है। ऐसे में दिल्ली पुलिस की जांच का दायरा विदेश तक भी जा सकता है, जहां पीड़ित रेसलर के साथ यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगा है। वहीं भारत के हर उस राज्य में भी दिल्ली पुलिस जा सकती है जहां उत्पीड़न होने की बात सामने आई है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक 7 महिला अधिकारियों को मामले की जाँच में लगाया गया है। ये अधिकारी एक SP को रिपोर्ट करेंगी। सूत्रों की माने तो FIR दर्ज करने के लिए नई दिल्ली जिले के करीब 10 इंस्पेक्टर को थाने में बुलाया गया था। इसके बाद 2 FIR दर्ज की गई। FIR दर्ज करने से पहले दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने अधिकारियों को बुलाकर मीटिंग भी ली थी। वहीं इस मामले को लेकर दिल्ली पुलिस ने शनिवार को कहा कि वह जल्द ही पीड़ितों के बयान दर्ज करेगी। जरूरत पड़े तो कुछ मामलों में 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने भी बयान दर्ज करवाए जाएंगे। महिला पहलवानों द्वारा यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 2 FIR दर्ज किए। इस FIR की एक कॉपी पहलवानों को दी गई है। हालांकि पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज FIR की कॉपी पहलवानों को नहीं दी गई है, क्योंकि यह सिर्फ पीड़ित परिवार को ही दी जा सकती है। दिल्ली पुलिस ने IPC की धारा 354, 354A, 354D और 34 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। एक नाबालिग समेत कुल 7 खिलाड़ियों ने WFI प्रमुख के खिलाफ दिल्ली पुलिस से शिकायत की है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने WFI अध्यक्ष ब्रजभूषण के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग वाली याचिकाएं पर तत्काल सुनवाई की मांग करने वाली पहलवानों की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने कहा कि भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले पहलवानों की याचिका में गंभीर आरोप है। पुलिस के मुताबिक पहली FIR एक नाबालिग पीड़ित द्वारा लगाए गए आरोपों से संबंधित है या पॉक्सो अधिनियम के तहत IPC से संबंधित धाराओं के साथ दर्ज की गई है। वहीं दूसरी FIR यौन उत्पीड़न से संबंधित धाराओं के तहत दर्ज की गई है। पहलवानों ने 21 अप्रैल को कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने के बाद जंतर मंतर पर अपना धरना शुरू किया था। शिकायत में कहा गया कि एक नाबालिग सहित 7 महिला पहलवानों को ब्रजभूषण ने परेशान किया और उनका उत्पीड़न भी किया। टोक्यो ओलंपिक कांस्य पदक विजेता पहलवान बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक जैसे स्टार पहलवानों ने शुक्रवार को कहा कि वे भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ तब तक अपना विरोध जारी रखेंगे जब तक कि उन्हें सलाखों के पीछे नहीं भेज दिया जाता। धरने पर बैठे पहलवानों ने विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और कई अन्य शामिल हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर सांसद और WFI के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने बयान दिया है और कहा है कि यह लड़ाई खिलाड़ियों के हाथ से निकल चुकी है, क्योंकि इसमें पॉलिटिकल पार्टियों का प्रवेश हो चुका है। देखिए, अच्छा होता, देखिए जब कोई FIR लिखाने जाता है तो अगर 2-4 घंटे FIR लेट हो जाए तो भी जो है अभियुक्त को फायदा मिलता है कि 4 घंटे सोच समझ करके FIR लिखाई गई है। यहाँ तो 4 महीने से लगातार सोचा जा रहा है कौन सा आरोप लगाया जाए, कहाँ लगाया जाए, कब लगाया जाए। हमारे केस में तो 4 महीना तैयारी की गई है, ऑडियो है कि कोई लड़की मिल जाए। हम एक ऐसे आदमी हैं कि जो 2 घंटे की बात नहीं, 4 महीना उनको मौका दिया गया कि कोई आ जाए, मैं उसे फेस कर रहा हूँ। हालांकि अब देखना यही होगा कि धरने पर बैठे इन पहलवानों का धरना कब तक खत्म होता है।